उद्देश्य यही है कि प्रभु रामचंद्र 500 साल बाद अपने मंदिर में आ रहे हैं, और इससे खुशी की और कौन सी बात हो सकती है। और इसी खुशी को जाहिर करने हम ये हलवा बना रहे हैं, और तकरीबन 7000 किलो का हलवा है, और 7000 किलो हलवा जो है 10000 लीटर की कढ़ाई में बन रहा है। कढ़ाई जो है तकरीबन 1500 किलो इसका वजन है, और 10 फीट बाय 10 फीट की कढ़ाई है ये। 700 किलो सूजी, 700 किलो घी, 1100 किलो तकरीबन शक्कर का इस्तेमाल, 4000 लीटर पानी है, 200-300 किलो काजू किशमिश है, केले है इसमें पड़ते हैं 300-350 किलो, और बाकी सारे मसाले। ऐसा ही कुल मिला के 7000 से ज़्यादा हलवा बनेगा ये। खासियत ये है कि देखिए, ये हलवा जो है तो भगवान विष्णु को प्रसन्न था, और प्रभु रामचंद्र विष्णु जी का रूप है ऐसा मानते हैं। तो हलवे का ये महत्व जो है तो सत्यनारायण की कथा में भी दिया गया है, तो इसीलिए हमने ये हलवा बनाया। और सत्यनारायण की कथा में जब हम महाराष्ट्र में हलवा बनाते हैं तो उसमें केले का इस्तेमाल होता है, और ये केले इसमें हमने डले तकरीबन 300-350 किलो, जो कि खास जलगांव से आए, भुसावल से ये केले आए हैं। अच्छा, तो आप कई बार रिकॉर्ड भी बना चुके हैं? जी, 20 विश्व विक्रम अब तक हुए हैं। और ये हलवा जब बनाया, जब हमारे मन में कोई विश्व विक्रम करने का ऐसे मन में नहीं था, केवल श्रद्धा थी प्रभु रामचंद्र जी को एक अच्छा सा प्रसाद बनाए, और बनते बनते विक्रम बन रहा है। क्या रामलला को भी समर्पित करेंगे? ये विश्व विक्रम हम यहाँ के न्यास को समर्पित करेंगे, और पूरे अयोध्या वासियों का विक्रम है ऐसे मैं कहूँगा। ये प्रतिदिन नहीं, ये आज ही चलेगा, और साल में एक बार हम आके कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाते रहेंगे। सर, उद्देश्य तो सिर्फ श्री राम लला की सेवा करना यही है, और यहाँ पे जितने भक्त आ रहे उनकी सेवा करना वही उद्देश्य है। शेफ श्री विष्णु मनोहर जो कि विश्व विख्यात शेफ है, वो जाने ही जाते हैं जायंट या बड़ी कुकिंग के लिए। एक ही कढ़ाई है, 10000 लीटर की हमारी ये कढ़ाई है, 10 फीट बाय 10 फीट का उसका व्यास है, 7000 किलो का यहाँ पे शुद्ध देसी घी का हलवा बन रहा है, और जो कि तकरीबन 1-1.5 लाख लोगों में यहाँ पे बांटा जाएगा। काफ़ी सारी सामग्री है जो हलवे की होती है, जैसे सूजी है हमारी 700 किलो, 800 किलो का घी है, 200 किलो का सूखा मेवा है, 21 किलो इलायची पाउडर, 21 किलो जायफल पाउडर है, 1100 किलो के ऊपर चीनी है, 4000 लीटर मिनरल वाटर यहाँ पे यूज़ हुआ है ये सब बनाने के लिए। अच्छा, कैसा लग रहा है ये हलवा? हलवा इसीलिए है, आप जानते हैं सत्यनारायण भगवान का हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो हलवे का ही होता है, जिसमें कि केला आदि सामग्री उसमें यूज़ की जाती है। और सत्यनारायण भगवान मतलब विष्णु भगवान, विष्णु का ही अवतार दशावतार में के राम भगवान है, और इसीलिए हलवे का प्रयोजन किया है। आप लोग कितने लोग हैं? सर, हम नागपुर से चले हैं करीबन 4 दिन से, और हम पूरी टोटल 40 लोगों की टीम है यहाँ पे। हर कोई अपने अपने तबके से, अपना सभी का व्यवसाय अलग है, सभी मतलब हम कैसे ये सर्वसमावेशक हलवा बन रहा है यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम रेणु अग्रवाल, नागपुर से।